हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यम अर्बन आर्ट्स में। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर महेश बाबू का ये वाला आउटलाइन। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसे मैंने ऑलरेडी जो है ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी जो मैं आपको इसके जो बॉक्सेस हैं वो बता देता हूँ। तो ऊपर से जो है वो 10 बॉक्स हैं, और ऊपर से नीचे जो है वो है 14 बॉक्स, और ये जो बॉक्स हैं वो है 2 सेंटीमीटर के गैप में। और ये पिक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जो है इसे इजीली वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो और आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ग्रिड किस तरीके से हम बनाएंगे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक रबर और एक पेंसिल और यहाँ पर हमने एक स्केल ले ली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं जो है 2-2 सेंटीमीटर के गैप में मार्क कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद इधर हम जो है लाइन खींच करके ग्रिड बना लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बॉक्सेस जो रहेंगे वो 2 सेंटीमीटर के रहेंगे, और ये आप देख सकते हो स्क्रीन में जो रेशो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ग्रिड तैयार कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपकी लाइन खींच ली है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पर मैं ग्रिड बॉक्स रेडी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ग्रिड बॉक्स रेडी हो चुके हैं और हमारा ग्रिड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी जो है मैंने इसे तिरछे एंगल में रखा है पेपर को, तो अभी जो है मैं इसे सीधा करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आई से स्टार्ट करूँगा। तो आईज़ जो है मैं यहाँ पर बॉक्स गिन रहा हूँ, और ये कुछ 7 बॉक्स ऊपर आई है। तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 3 बॉक्स यहाँ से है। तो अभी यहाँ से जो है 7 बॉक्स है, और नीचे से जो है वो है 3 बॉक्स। तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया है, और अब यहाँ से जो है 3 बॉक्स। तो यहाँ से जो है मैं लेफ़्ट आई को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो है लेफ़्ट आई को यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि बॉक्सेस जो हैं और जो आइस की आउटलाइन है वो किस तरीके से जो है बॉक्स को क्रॉस करते हुए जा रही है, और आपको उसी से मैच करते हुए जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है। और जिस बॉक्स में जो फीचर है तो आपको उसी बॉक्स के अंदर अंदर में वो फीचर को ड्रॉ करना है। तो आपको यही ध्यान रखना है ग्रिड में, ग्रिड मेथड में, और काफ़ी इजीली जो है आप आउटलाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं लेफ़्ट आई को ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद जो है मैं राइट आई को ड्रॉ करके आपको बताऊँगा। और जहाँ पर भी गलती हो तो आप जो है इरेज़र से आप इरेज़ करते हुए उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये राइट आई ड्रॉ करना है, तो इसको जो है 3 बॉक्स छोड़ कर के है। तो यहाँ से जो है मैं राइट आई को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, और बॉक्स से मैच करते हुए जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर लूँगा मैं। और यहाँ पर जो आईज़ है उसके ऊपर ही आईब्रो है उसी बॉक्स में, तो इसे भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और अब जो है नोज़ ड्रॉ करेंगे। तो नोज़ के लिए देख लेते हैं यहाँ से, ए यहाँ से बॉक्स देखते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो जो है हम यहाँ पर नोज़ भी ड्रॉ कर लेते हैं सेम बॉक्स मैच करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नोज़ ड्रॉ हो गई है, और अब जो है लिप्स ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हो कि नोज़ के जस्ट उसी बॉक्स में है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं लिप्स को ड्रॉ करना, और इसे भी मैं जो है बॉक्स से मैच करते हुए। तो आप जो इसकी लंबाई देख सकते हो 3 बॉक्स के अंडर में है, तो इसे भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब फ्रेंड्स, चिन का पार्ट है। तो चिन का पार्ट जो है एक बॉक्स जो है नीचे है, तो देख सकते हो ये 1 और ये 2। तो यहाँ से जो है मैं स्टार्ट करूँगा, और अब जो है फेस की आउटलाइन है। तो आपको जो है बॉक्सेस को ध्यान में रखते हुए, और किस तरीके से जो देख सकते हो कि बॉक्सेस को क्रॉस करते हुए जा रही है यहाँ पर फेस की आउटलाइन, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं जो है
आउटलाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैच करते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आउटलाइन जो है ड्रॉ कर ली है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर हेयर की जो आउटलाइन है तो उसे भी हम सेम तरीके से जो है बॉक्सेस से मैच करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से फोर हेड से भी देखूंगा मैं, तो फोर हेड से देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो फाइनल ऊपर की जो हेड की लाइन है तो 5 बॉक्स ऊपर है, तो इसे भी मैं जो है आउटलाइन जो है बॉक्स से मैच करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब फ्रेंड्स नेक का पार्ट है तो नेक का पार्ट भी मैं सेम तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको और भी आर्ट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।